हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। अब गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट में 200 सेगमेंट में 160 सेगमेंट में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे प्यारी हमारी प्यारी पल्सर RS 200 में कोई अपडेट नहीं आ रहे बहुत दिनों से। एंड आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे भाई कि RS 200 में कोई अपडेट आने वाला है या नहीं आने वाला है। गाइस आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं RS 200 के बारे में कि इसका जो अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा उसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्टार्ट करते हैं, पल्सर RS 200 के बारे में बात करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। कई सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के अपडेट के बारे में, चेंजेस के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। गाइस आपको बताएं इंडियन मार्केट में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राजीव बजाज सर जो कि बजाज के MD है उनकी तरफ से दो बाइक लॉन्च की गई, एक तो N250 हो गई और एक तो F250 हो गई। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पे इंडियन मार्केट में RC 200 को भी चेंज कर दिया गया, जो कि आपको पता ही नहीं है, नहीं पता तो आपको पता ही होगा कि वो भी बजाज की कंपनी है KTM इंडिया में। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूँ RN5 M एंड RN5 V4 भी आगे चेंज हो गए, लेकिन RS 200 को अभी तक डिज़ाइन नहीं किया गया न्यू तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों RS 200 के बारे में कि इस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले और क्या क्या नई चीज़ें आपको बाइक में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बाइक के डिज़ाइन के बारे में। गाइस डिज़ाइन देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, RS 200 जब शुरू में आई थी तभी से वैसी ही आ रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, RS 200 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अगर दोस्तों आप लोग फेयरिंग देखेंगे तो सेम आ रही है, पहले जो कलर ऑप्शन आता था उसे सिर्फ चेंज किया गया और कुछ भी चेंज नहीं किया गया बजाज की तरफ से। अब इसी बात है, सबसे पहला जो बाइक में आपको चेंज मिलेगा गाइस वो मिलेगा बाइक का फेयरिंग एंड डिज़ाइन। देखिए दोस्तों इस बार जो RS 200 होने वाली है, कहा जा रहा है कि इस बार की जो RS ना वो बहुत ज्यादा ही एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है भाई, आजकल इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है खासकर लुक वाइज, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज तो बजाज को ध्यान देना ही पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बाइक के फेयरिंग के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया थोड़ी एरोडायनेमिक होगी। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार बाइक को ना थोड़ा लाइट वेट बनाने की भी कोशिश की जाएगी। अगर आप अभी वाली RS 200 देखेंगे ना तो काफी ज्यादा गाइस बाइक का वेट है, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे RN 5 से तो काफी ज्यादा वेट आपको बाइक में मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है गाइस ये चीज तो आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर ले बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट पावर एंड फिगर्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें ये चीज कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे RC लॉन्च हुई ना, इंजन तो आपको सेम मिला लेकिन बाइक का जो लुक है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है गाइस बाइक को दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बाइक में वो चीज चेंजेस नहीं की जाएगी, जो इंजन रहेगा वो आपको सेम मिलेगा पहले की तरह। बाइक में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्व इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि DTS AI FE टेक्नोलॉजी के साथ में आता है गाइस। प्लस बात करें पावर के बारे में, तो वही 24.5 वाला पावर आपको बाइक में मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करें बाइक के लाइट्स के बारे में, दोस्तों तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हो गए कि अब आपको बाइक में न्यू LED प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी। अगर आप लोगों ने N250 और F250 नहीं देखी तो आप लोग देखना जरूर। प्लस उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें बजाज की तरफ से न्यू लाइट दी गई है जो कि प्रोजेक्टर लाइट है। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपको LED प्रोवाइड की गई है। जी हां दोस्तों, LED आपको प्रोवाइड की गई है। ऑब्वियसली बात है गाइस वो चीज भी आपको बाइक में देखने को मिलने वाली है। LED प्रोजेक्टर लाइट होने की वजह से देखिए बाइक का दो बेनिफिट होगा, पहला तो बाइक का लुक काफी अच्छा हो जाएगा, प्लस उससे बाइक की जो लाइट है ना वो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। वैसे अभी जो बाइक में लाइट आती है वो भी काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन LED होने के बाद और भी ज्यादा ब्राइट होने वाली है। तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज होगा वो होगा बाइक के इलेक्ट्रिकल्स में। उसके बाद दोस्तों बात करें बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है कि बाइक में आज भी फुली डिजिटल मीटर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस इसके चांसेस ना काफी कम है, इसलिए कम है क्योंकि F250 और N250 भी यहां पे न्यू दी गई बजाज की तरफ से, लेकिन उसमें भी गाइस आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर बजाज में डिजाइन नहीं किया गया। तो आप कह सकते हो कि अभी आपको फुली डिजिटल मीटर आने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है भाई इंडियन मार्केट में वैसे तो दोस्तों बहुत सारी बाइक्स है जिसमें आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर आता है, लेकिन दोस्तों बात यहां पे ये आ जाती है कि फुली डिजिटल मीटर देना वो तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी के पास होना भी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किया था कि
कंपनी के पास फुली डिजिटल मीटर होना तो चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिलहाल वो चीज़ आपको नहीं कह सकते कि फुली डिजिटल मीटर आएगा, हो सकता है बाइक में आपको एनालॉग भी डिजिटल मीटर देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गियर इंडिकेटर मिसिंग होता है, प्लस मोबाइल कनेक्टिविटी में बजाज काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है N250 F250 में भी आपको गियर इंडिकेटर ऐड कर दिया गया है। प्लस दोस्तों बात करें नए चेंजेस के बारे में, तो कहा जा रहा है इस बार बजाज की जो ब्रेकिंग होने वाली है पल्सर की, वो और भी बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक मैंने कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि अभी बाइक में आपको जो 300mm की प्लेट मिलती है, 300mm की प्लेट मिलती है फ्रंट में, वो आपको 320mm की प्लेट देखने को मिल सकती है बजाज की तरफ से। ये चीज़ भी मैं बहुत दिन से सुनते हुए आ रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर ले बाइक के नेक्स्ट चेंजेस के बारे में कि क्या चेंज होने वाला है गाइस, तो वो आपको बता दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बहुत दिनों से बाइक में मिसिंग है, जो कहा जाता है टेल लाइट। जी दोस्तों, टेल लाइट को लेकर भी बहुत सारे लोग बाइक को ट्रोल करते कि बाइक की जो टेल लाइट है वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस है कि इसका जो रियर लुक है, जी रियर लुक यानी कि टेल वाला जो लुक है ना, उस पोस्चर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से चेंज किया जाएगा बजाज की तरफ से। वो भी आप लोगों को न्यू टेल लाइट बाइक में देखने को मिलने वाली है, इस वजह से भी बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बन सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आजकल इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, अगर आप लोग दोस्तों बाइक का फीचर से किसी और बाइक की कंपेयर करेंगे ना, जैसे कि आप अपाचे ले लो या कोई और बाइक भी ले लो, तो फीचर्स में वो बाइक्स ना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है बजाज से। बजाज को ये चीज़ थोड़ी सी समझना चाहिए कि भाई फीचर्स में हम काफ़ी पीछे हो गए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अब नया चीज़ इनको देनी पड़ेगी। राइडिंग मोड्स तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि बजाज देंगे, बट हाँ थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाया जा सकता है, बाइक में नया स्पीडोमीटर दिया जा सकता है, बाइक में आपको LED लाइट्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में जितनी भी ब्रांड आ रही है सभी आपको LED लाइट प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है RS 200 को लेकर, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये बाइक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बजाज पल्सर RS 200 बहुत जल्द चेंज होकर आने वाली है। अब कब तक चेंज होगी गाइस, वो तो फिलहाल कन्फर्म नहीं है, बट अगर बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो कहा जा रहा है गाइस ये बाइक आपको लगभग मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के जनवरी से फरवरी तक, जी दोस्तों जनवरी से फरवरी तक आपको चेंज होकर मिल सकती है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले तो ये भी बात सामने आ रही थी कि बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात गलत है, बाइक डिसकंटिन्यू नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को बाइक तो चेंज किया जाएगा, बट ये बात तो तय है कि बाइक आपको बहुत बेटर मिलने वाली है कंपेयर टू ओल्ड RS 200। बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाएगी बजाज पल्सर RS 200 में। तो यही चीज़ें बहुत सारे लोगों आप लोग पूछ रहे थे कि कब RS 200 आएगी, कब RS 200 आएगी, तो मैंने आपको बताया गाइस बाइक बहुत जल्द चेंज होने वाली है। नए कलर ऑप्शन, नए ग्राफिक, नए फेयरिंग, नई LED लाइट, नया स्पीडोमीटर, ये सारे चेंजेस आप लोगों को RS 200 में देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन न्यू RS 200 का वेट कर रहा है गाइस। वैसे तो भाई मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूं कि RS अब अपडेट होगी, बट फिलहाल अभी तक नहीं किया गया बजाज की तरफ से। लेकिन दोस्तों अब ये न्यूज़ आ रही कि बाइक को बहुत जल्द अपग्रेड किया जा सकता है बजाज की तरफ से। अब देखते हैं कि कब बाइक आप लोगों को नई देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो बजाज पल्सर RS 200 में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, ना पहले वीडियो अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।